मॉस्को से गोवा आ रही फ्लाइट में सोमवार रात बम होने की सूचना मिली, जिसके बाद फ्लाइट की जामनगर में इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। जानकारी के मुताबिक मॉस्को से गोवा आ रही रूसी एयरलाइन अजूर की फ्लाइट में सोमवार रात बम होने की सूचना मिली थी। गोवा ATC के पास एक मेल आया था जिसमें चार्टर्ड फ्लाइट में बम होने की सूचना दी गई थी। इसके बाद तत्काल फ्लाइट की जामनगर में इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई और इसके बाद सभी 236 यात्रियों और 8 क्रू मेंबर्स को सुरक्षित नीचे उतार लिया गया। इसके बाद बम निरोधक दस्ता गुजरात पुलिस ने प्लेन के अंदर जांच की। NSG की टीमों ने भी जामनगर एयरपोर्ट पहुंचकर प्लेन की जांच की है। एयरबेस पर रात करीब 6 घंटे तक अफरा तफरी मची रही। इसके अलावा CISF के अधिकारी, कलेक्टर और SP भी एयरपोर्ट पहुंच गए थे। राजकोट जामनगर रेंज के IG अशोक कुमार यादव ने बताया कि प्लेन ने मॉस्को से गोवा की उड़ान भरी थी। इसकी जामनगर एयरबेस लैंडिंग करवाई गई है। दिल्ली में रूसी दूतावास के एक अधिकारी ने बताया कि भारतीय एजेंसियों के द्वारा अजूर एयर की मॉस्को आ रही फ्लाइट में बम मिलने की सूचना दी गई थी। उन्होंने कहा कि प्लेन की जामनगर में इंडियन एयर फोर्स के बेस पर लैंडिंग करवाई है। फिलहाल सभी लोग सुरक्षित हैं। इसके बाद सुरक्षा एजेंसियों ने प्लेन की सघन जांच की है। इस दौरान किसी भी तरह का कोई बम नहीं मिला है। NSG ने भी करीब 6 घंटे तक प्लेन की जांच की। इस दौरान प्लेन में आपत्तिजनक सामान या फिर बम नहीं मिला है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं।